नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे आज भूआकृति विज्ञान से संबंधित। लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे इस वीडियो पे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। देखिए, अंध महासागर में उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है और इसका नाम टेलीग्राफिक पठार इसलिए रखा गया था क्योंकि सबसे पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच इसी पठार से टेलीग्राफ की लाइनें बिछाई गई थी। वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करने वाली नदी कहलाती है अनुवर्ती नदी। जब चट्टानों में दरार पड़ने के बाद इसके दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और एक खंड दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो निर्मित होता है व्युत्क्रम भ्रंश। कौन सा भ्रंश निर्मित होता है? व्युत्क्रम भ्रंश। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनतियों तथा अभिनतियों में लावा के जमाव के फलस्वरूप निर्माण होता है फैकोलिथ का। अंध घाटी कहाँ पाई जाती है? कार्स्ट क्षेत्र में या चूना प्रदेश के हिस्सों में। रिया एक प्रकार की तटरेखा है, ये समुद्र किनारे की तटरेखा है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में भू आकृतियां हैं, सूची दो में उनके निर्माण के एजेंट दिए गए हैं। भ्रंश, भ्रंश का निर्माण किस वजह से होता है? भू संचलन के कारण। बाढ़ के मैदान, नदी प्रभाव, परवाल भीति, जैविक क्रिया और मोरेन्स हिमानी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टर्शियरी युग में निर्मित नहीं है? अरावली पर्वत। पृथ्वी की आयु के परिकलन में निम्न खनिजों में सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम और शीशे का। निम्नांकित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इनमें सबसे प्रथम हो जाएगा सिलूरियन कल्प, उसके बाद डिवोनियन कल्प, उसके बाद कार्बोनिफेरस और सबसे अंत में परमियन युग। सूची एक तथा सूची दो का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। ड्रमलिन, ड्रमलिन का निर्माण होता है हिमानी अपरदन द्वारा। अंधी घाटी चूना पत्थर, यारडांग नदी और गोखुर झील का निर्माण। सॉरी तो गलत हो गया दोस्तों, दोबारा करते हैं। ड्रमलिन का निर्माण होता है हिमानी क्रिया द्वारा। अंधी घाटी चूना क्षेत्र में, यारडांग पवन क्रिया द्वारा और गोखुर झील या ऑक्सबो नदी द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। निम्नांकित में कौन विश्व का प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट एटना। निम्नांकित सिद्धांतों में कौन सा हैरी हैस ने प्रतिपादित किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अपरदन चक्र में बाधा को कहा जाता है नवोन्मेष। एक तथा दो सूचियों को सुमेल कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। सम अभिनति पर्वत निर्माण क्रिया, ग्लोबिजेरिना निपंक समुद्री निक्षेप, मोनाडनाक नदी अपरदन द्वारा,
और हमादा वायु प्रदन द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? पलसा परिहिमानी क्षेत्र में निर्मित होता है, ये सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था हैरी हेस ने। कार्स्ट अपरदन चक्र की संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की गई JW BD द्वारा। किसने की थी कार्स्ट अपरदन चक्र की संकल्पना? JW BD ने। प्लिस्टोसीन हिमयुग की प्रावस्थाओं के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। सबसे पहला हो जाएगा इसमें उरम, उसके बाद रीस, इसके बाद मिंडेल और अंत में गुंज। अपरदन के निम्नतम सतर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया पावेल महोदय ने। होम्स द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण की संकल्पना में पृथ्वी के अध: सतर में गतिशील संवाहनिक तरंगे विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं भू अभिनति में। कहां प्रवाहित होती हैं? भू अभिनति में। निम्नांकित में से कौन नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पक्षीपात पंजाल डेल्टा का निर्माण करती है। ग्रेनाइट के दो प्रमुख संघटक खनिज हैं क्वार्ट्ज तथा अभ्रक और फेल्सपार था क्वार्ट्ज। ये दोनों ही में से किन्हीं दो के सम्मिलन से ग्रेनाइट का संगठन होता है? निम्न में से कौन सी चट्टान मैफिक समूह की है? बेसाल्ट चट्टान। चट्टान कायंत्री चट्टान के निम्न सुमेलों में से कौन सही नहीं है? बलुआ पत्थर ग्रेनाइट में, ये भी सही है। सैल सलेट में, ये भी सही है। चूना पत्थर संगमरमर में, ये भी सही है। और ग्रेनाइट सिस्ट में ये गलत है। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में शांत उद्गार होता है? हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में। कौन सी ज्वालामुखी की पेटी अग्नि मेखला कहलाती है? परिप्रशांत पेटी। भूदृश्य के क्रम विकास के इतिहास में अधिकतम उच्चावच दर्शाता है युवावस्था को। कमजोर संरचना की पेटी के सहारे विकसित होने वाली सरिता है अनुवर्ती। किस अपवाह प्रतिरूप की उत्पत्ति सामान्यतः नदी अपहरण के फलस्वरूप होती है? कंठकीय। अपरदन के चरम तल अवधारणा के प्रतिपादक हैं पावेल महोदय। किसने दिया था चरमतल अवधारणा का प्रतिपादन अपरदन का? पावेल ने। नदी घाटी में निक पॉइंट सथलाकृति प्रमाण है भूदृश्य में पुनर्यौवन का। शुष्क प्रदेशों की अवशिष्ट पहाड़ियों को कहते हैं इंशेलबर्ग। क्या कहा जाता है जो शुष्क प्रदेशों में अपरदन के बाद जो अवशिष्ट पहाड़ियां बच जाती हैं उनको? इंशेलबर्ग। हिमानीकृत घाटियां होती हैं खड़े पार्श्व और चौड़े तल वाली। वायु द्वारा अपरदन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं घर्षण, अपवहन और सन्निघर्षण। सथलाकृति जो नदी अपरदन एवं निक्षेप के सम्मिलित कार्यों से निर्मित होती है गोखुर झील। सामान्य अपरदन चक्र की वर्धावस्था से संबंधित विशिष्ट सथलाकृतियां हैं
संपराय मैदान, डेल्टा और मोरेडना। भूपर पट्टी में निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहर चलती है? अल लहर सबसे खतरनाक और हानिकारक लहर है ये, और ये कहाँ चलती है? भूपर पट्टी में। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।